हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज है सैटरडे एंड आज का ब्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आप सबके साथ आज नॉर्मल अ डे इन माय लाइफ शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली जो मैं दिन में सारा दिन पूरा दिन भर के क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है इन कंपैरिजन टू मेरा अदर्स वीडियो, बट अगर आपको अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा भी मेरा वीडियो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने को मिले, मेरे डे टू डे लाइफ के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ छत पर। जितने भी मैंने कपड़े सुखाए थे वो सारे कपड़े को उतारने, नहीं तो शाम हो जाएगी तो सारे कपड़े ठंडे पड़ जाएंगे, तो उसके पहले मुझे उतारना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ छत पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज सुबह मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। मेरे हस्बैंड काम पे चले गए, लंच नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट अच्छे से हो गया। एंड मेरे बाबू स्कूल से भी वापस आ चुका है, वो अपने दादी के घर गए हैं। वहाँ जाके वो आराम से नहाना लंच करना कंप्लीट करके ही वापस आएगा। तब तक मैं सोची कि चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। उसके आने के बाद अगर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, वही से कैमरे के सामने आके वही अपना बदमाशी आप सबको खाया जाएगा। तो वो तो होगा, लेकिन थोड़ा सा पूरे दिन भर का ब्लॉग में थोड़ा सा उसका नोटिंग की देखना आप लोग भी पसंद करोगे है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी मैं सारे कपड़े को, ये मेरा जो बेडशीट है, ये सारे कपड़े फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने धोया है, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे कपड़े मैंने वॉश करने दिया था, लेकिन हाँ मैं धो भी के वहाँ पर नहीं रखती हूँ सूखने के लिए। मैं वहाँ से गीले कपड़े ही लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे उनके सुखाने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं अपने छत पे इन सारे चीज़ों को सुखाती हूँ, ताकि ये सूखने के बाद मैं आराम से लेके आ जाऊँ बिना कोई दाग धब्बे लगाए। वहाँ पे दाग धब्बे लगने का टेंशन हो जाता है, क्योंकि मेरे दो वाइट टी शर्ट में रेलिंग्स का दाग, मतलब सरिया में वो लोगों ने शायद सुखाया था तो उसका दाग लग गया है। तो मैं वो फिर से रिक्स नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत दिन पहले से, हफ्ता भर पहले से मैंने उनको मना कर दिया कि आप मुझे ही कपड़े दे दिया कीजिए, मैं अपने जगह अपने तरीके से सुखा लूँगी। तो ऐसे तरीके से मैंने सारे कपड़े को सुखा लिया। अब इस पोटली में मैंने बांध लिया है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, मैं सारे कपड़े को अपने हाथ में लेके तो ऊपर से नीचे नहीं उतर सकती। तो मैंने सोचा कि चलो एक बेडशीट में इन सारे कपड़ों को लपेट लेते हैं, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक सारे कपड़े को एक साथ लाने का। तो चलिए अभी मैं सारे, तो चलिए मैंने पोटली बांध दी है, अभी मैं रेडी हूँ नीचे जाने के लिए। बट नीचे जाने से पहले थोड़ा धूप में जब आ ही गए हैं तो धूप का मज़ा भी ले लेते हैं। तो चलिए फिर थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं। एंड आप देखो कि मैं किस में बैठ रही हूँ, जो मैंने पोटली बनाया है ना, मैं उसी में बैठ रही हूँ, ताकि मेरा कपड़ा गंदा ना हो जाए। तो चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, धूप का मज़ा लेते हैं। एंड आप देख सकते हो मैंने बन बना लिया, क्योंकि कल ही मैंने शैम्पू किया है तो मेरा कर्ली हेयर सारी वेवी वेवी हो जाते हैं। तो उसे मैनेज करने के लिए मैं हमेशा बन बना के ही यूजुअली मेरे घर में रहती हूँ। तो चलिए अब लिए आपको मैं पहले सराउंडिंग्स दिखा देती हूँ। मेरे छत से मेरे घर का व्यू, सराउंडिंग्स का व्यू कैसा दिखता है आप सब देख लो। आज का जो धूप है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा कड़कती थी, तो मज़ा ही आ गया आज धूप में बैठने का। एंड आप सूरज देवता को देख पा रहे हो कि कितना ज़ोरदार चमक रहे हैं वो, उनका तेज कुछ अलग ही होता है कि नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो मैं अपने पैरों को दिखा रही हूँ, इसका मुझे पेडिक्योर करना है घर में बैठ कर, इसका वीडियो मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा पेडिक्योर एट होम का वीडियो आप देख पाओ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पोटली रेडी कर लिया है नीचे ले जाने के लिए। एंड आप देख रहे हो कि आज तो मैं पूरा धोबन ही बन गई, ऐसे ही लग रही हूँ है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए सारे कपड़े को हम नीचे ले जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी ये इवनिंग का टाइम है जब मैं फिर से ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं वहाँ से कपड़े लेने के बाद ही बाबू आ गया था, तो मैं उसको लेके उसको सुलाने के चक्कर में मुझे भी नींद आ गई थी, तो मैं भी सो गई थी। तो थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ। एंड जो कपड़े मेरे पोटली बांध के ऊपर से नीचे लेके आई थी, उन सारे चीज कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, जो जो प्रेस करने के लिए देने
देना है मुझे, उनको अलग कर लूँगी। एंड जो स्वेटर्स पैंट वो सारे अलग करके रख लूँगी, ताकि कल सुबह जब मुझे प्रेस करने के लिए देना हो तो इजीली मैं निकाल के दे पाऊँ। आप भी ऐसा करते हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं करते हो तो ज़रूर कीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके टाइम बच जाता है और आपका काम भी बहुत इजीली सॉफ्ट स्मूथ तरीके से हो जाता है, जब हम अपने सारे काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब कि मैं जब कपड़े लेके आ चुकी थी तो उनको फोल्ड करके अलग अलग कर लेना ही अच्छा होता है, कि कौन सा कपड़ा हमें रख लेना है एंड कौन सा कपड़ा हमें प्रेस करना है, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है, ताकि हमको बाद में अगर उन चीज़ों को किसी को देना हो प्रेस करने के लिए या खुद भी प्रेस करना हो तो इजीली हम लोग एक ही झटके में निकाल के प्रेस करके रख सकते हैं, हमको तब अलग से ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो ये आइडिया कैसा लगा आप सबको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सारे कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ वन बाय वन एंड थोड़ी देर से आपसे मिलती हूँ। तो मेरे यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करना हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सारे स्वेटर मैंने अलग कर लिया है, बाबू का अलग, हमारा अलग एंड उनके शर्ट्स अलग, उनके पैंट्स अलग, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ताकि मुझे बाद में प्रेस करना देना हो इन कपड़ों को तो इजीली मैं निकाल के दे सकूँ अलग से, तब मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी ये ज़रूर कीजिएगा, आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। फ्रेंड्स, अब बारी आती है कपड़े फोल्ड करने के बाद बर्तनों को साफ़ करने का, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो चुका है। तो चलिए पहले बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद हम लोग खाना बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे, जैसे कि सबको पता है कि मैं बाहर बर्तन कपड़े एंड हमारा वॉशरूम भी बाहर है, तो बाहर बैठ के ही मैं बर्तन धो लूँगी। एंड आप लोग भी शायद करते होंगे बहुत जन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि नहीं। मुझे तो नहीं करना पड़ता है क्योंकि मैं इससे खुशी हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा दिक्कत पड़ती है बारिश के मौसम में, लेकिन वो भी मैनेज हो जाता है कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। तो आप लोग भी कैसे जुगाड़ू काम करते हैं बारिश के मौसम में जिनको बाहर बर्तन धोना पड़ता है, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। बाहर से मैं धोने के बाद बर्तन सारे लेके आ गई हूँ, जैसे कि देख रहे हैं इतने सारे बर्तन थे धोने का, दोपहर के बर्तन भी थे एंड सुबह के दो तीन बर्तन भी थे, इन टोटल मिला के ये ही बर्तन जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है। एंड अब बारी आती है इवनिंग ड्रिंक की, बाबू के लिए मैं बना रही हूँ हॉर्लिक्स। आज दूध में बिल्ली ने मुंह दे दिया, इसलिए मैं वो दूध तो बाबू को पिला नहीं सकती, इसलिए मैं गर्म पानी करके आज मैं हॉर्लिक्स बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग गर्म पानी कर लेंगे एंड गर्म पानी जब अच्छे से उबल जाए, अच्छे से उबलने के बाद उस गैस ऑफ करके मैं ग्लास में एक डेरी मिल्क चॉकलेट का एक पीस एंड दो चम्मच हॉर्लिक्स का बादाम केसर वाला फ्लेवर का दो चम्मच हॉर्लिक्स एंड उसमें हल्का सा हाफ से भी हाफ चम्मच चीनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा हॉर्लिक्स अच्छा फ्लेवर करे, क्योंकि थोड़ा उसको हॉर्लिक्स चॉकलेटी वाला ज़्यादा पसंद है, ये केसर आमंड वाला उसको पसंद नहीं आ रहा, तो मैं ये भी तो उसको पिलाना है पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं ऐसे जुगाड़ू उपाय करके उसको पिलाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे जब तक हमारा हॉर्लिक्स ठंडा हो जाता है तब तक मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ एंड बाबू उठ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि शैतानी उसका शुरू हो चुका है, वो बिस्तर में चढ़ के अब आप देखिएगा उसका नाटक, अब बैठ जाएगा वो कैमरे के सामने, जब तक मैं दिया बत्ती करूँगी वो कैमरे के सामने बैठ के अपना गुण गाता ही रहेगा। पता नहीं क्या कर रहा था, मैं उसको बोल रही हूँ चुप हो जाओ, नहीं फिर भी कैमरे के सामने बैठ के अपना रामायण गा रहा था, शायद आप सबको देख के पता नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैंने दिया बत्ती भी कर लिया है, अब मैं उसे हॉर्लिक्स पिला देती हूँ, अब तक शायद हमारा हॉर्लिक्स ठंडा हो चुका होगा। एंड आपको भी कुछ ना कुछ हेल्थ ड्रिंक बच्चों को पिलानी चाहिए, मैं तो इवनिंग में एंड सुबह उठ के ही उसको हॉर्लिक्स दूध के साथ पिलाती हूँ, लेकिन आज कुछ वजह के
तहत, जैसे कि मैंने आप सबको वीडियो में बताया, इसलिए मैं आज मिल्क के साथ हॉर्लिक्स नहीं पिला पाई, उसको गर्म पानी के साथ पिलाना पड़ रहा। तो आप लोग भी समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ करके तो पिलाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है थोड़ा सा भी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरा सिंपल ब्लॉग्स अच्छा लग रहा है तो। एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।